भवरकुआ थाना क्षेत्र में तालाब में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को तालाब से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। देखिए टाइम्स टुडे इंडिया की ये खास खबर। दरअसल भवरकुआ पुलिस को सूचना मिली थी कि रीजनल पार्क वाले तालाब में एक व्यक्ति की लाश तैर रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने तालाब के बीच में लाश तैरती देखी और उसके बाद एफएसएल की टीम को सूचना दी। मौके पर पहुंची एसएफएल की टीम ने लाश को बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुँचाया। ये सुबह 10 बजे के बाद हमें सूचना मिली कि वहाँ रीजनल पार्क में कोई अज्ञात व्यक्ति की लाश है, तो हमने उसकी तस्दीक किया। यहाँ पर आकर के देखा, कोई अज्ञात व्यक्ति मुंह के बल पानी में, रीजनल पार्क के पानी में डूबा हुआ था। हमारे एफएसएल अधिकारी महोदय से उन्होंने निवेदन करा, उनको बुलाया करा और उनसे ये दिखवा, वो जांच कर रहे हैं, हम लोग भी उसमें आगे कर रहे हैं। अभी तक किसी भी व्यक्ति ने ये नहीं बताया कि ये उस व्यक्ति की लाश है, अभी चल रही है उसकी जाँच। ये यहाँ जेसीबी वाले जो रीजनल पार्क के यहाँ पर काम कर रहे हैं, ये बता रहे थे, हम 4 रोज से देख रहे थे। हम समझे कि यहाँ मूर्ति विसर्जन होती है, तो हो सकता है कि उससे कुछ हो गया, कोई पुतला वगैरह होगा। तो आज हमने कहीं ठीक से कहीं देखा था, हमको कहीं बोले कि लास्ट टाइप की सी लग रही थी, तो हमने ये बात को दूसरों को भी बताया, तो हम तक भी ये बात आई, तो हमने आकर के यहाँ पर देखा। ये 4 दिन तो पहले से वो लोग देख रहे थे, बोले 4 रोज पहले से, हमको दूर से देख रहे थे, आज हमने पास से देखा, उसके भी पहले की है ही है। पुलिस के मुताबिक युवक की लाश 4 दिन पुरानी है। हालांकि यह लाश तैरते हुए यहां के कर्मचारियों ने भी देखा था, लेकिन यह मूर्ति विसर्जन भी की जाती है यह समझकर इन्होंने पुलिस को सूचना नहीं दी थी। हालांकि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया है, इसके बाद ही यह पता लग पाएगा कि यह हत्या है या आत्महत्या, या किसी ने हत्या करके इसे यहाँ फेंक दिया था। फिलहाल युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई है।